तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और आई होप सो कि आपको मेरी लास्ट वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आप लोग विंडोज़ के अंदर ही लिनक्स का शेल ले सकते हो। और लिनक्स का शेल लेने के बाद भैया फिर आराम से कोई भी लिनक्स की ऐप चलाओ ना विंडोज़ के अंदर, मज़े ही मज़े। आपको कोई भी अलग से वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने की नहीं ज़रूरत है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक, यहाँ पर ध्यान से देखिए, थंबनेल आ रहा है, प्लीज़ जा करके इस वीडियो को देखिएगा और आपको ये वीडियो देख करके बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बस उल्टा करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ के एप्लीकेशन चलाएंगे। विंडोज़ आप लोग जानते हो ना, वो .exe वाले एप्लीकेशन, वो हम लोग लिनक्स के अंदर रन करने वाले हैं। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, ये जिस मैथड से मैं करने वाला हूँ वो मैथड 100% फुल प्रूफ नहीं है कि सारे के सारे विंडोज़ के एप्लीकेशन चल जाएंगे, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस होती हैं, बट मैं आप लोगों को इतनी गारंटी दे सकता हूं कि 90% एप्लीकेशन आप लोग बहुत ही आराम से चला सकते हो अपने किसी भी लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं ये सारा काम कैसे होने वाला है। तो बहुत बढ़िया, मैं आ चुका हूँ काले लिनक्स के ऊपर और आइए देखते हैं हम लोग ये काम कैसे होगा। अब ये काम करने के लिए ना आप लोगों को ज़रूरत होगी वाइन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पीने वाला वाइन नहीं है, सॉफ्टवेयर है। आप लोग गूगल के ऊपर जाओ, वाइन लिनक्स लिख देना, ठीक है। इस टाइप की वेबसाइट आएगी, आपको सिंपल से इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, ठीक। बहुत ही बढ़िया, ये वेबसाइट आप लोगों ने जैसे ओपन की, यहाँ पे आप देख सकते हो एक डाउनलोड का सेक्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब डाउनलोड के सेक्शन के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे ना, आप नीचे थोड़ा सा आ जाना, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा अलग अलग भैया लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वाइन यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उबंटू के लिए कर सकते हो, डेबियन के लिए कर सकते हो, फेडोरा के लिए कर सकते हो। अब क्योंकि काले लिनक्स के ऊपर हम लोग ये सारा काम करेंगे, काले लिनक्स डेबियन के ऊपर चलता है, ठीक है, तो हम लोग सिंपल से डेबियन के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके। अगर आप लोग ये उबंटू के लिए करना चाह रहे हो तो आप उबंटू के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक। अभी यहाँ पे आप लोग देखोगे स्टेप बाय स्टेप सारे इंस्ट्रक्शन है और मैं भी आपको समझाऊंगा कि कैसे ये सारा काम करना है। बट एक चीज आप लोग भाई अपने दिमाग में भर लो और मैं हाथ जोड़ रहा हूं, ये काम भाई कर लेना, वरना आप लोगों के वाइन में 101% एरर आएगा। या तो आपका वाइन सही से इंस्टॉल नहीं होगा या तो कोई ना कोई एरर जरूर गिरेगा। ये चीज़ आपको क्या करनी है, वो है एपीटी अपडेट और एपीटी अपग्रेड। अब आप लोग सोचोगे कि भैया ये क्यों, ये हम लोग क्यों करें। आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, एपीटी अपडेट और एपीटी अपग्रेड एग्जैक्टली करता क्या है। आप लोगों को मतलब ये बढ़िया सा काले लिनक्स का एनवायरनमेंट दिख रहा है ना, इसके अंदर बहुत सारे छोटे मोटे टूल्स, बहुत सारी छोटी मोटी प्रोसेसेस जो कि भाई किसी दूसरे एप्लीकेशन को चलाने में हेल्प करती हैं, वो सब रन हो रही होती हैं। जब आप लोग एपीटी अपडेट करते हो तो उससे जानते हो क्या होता है, जो जो छोटी मोटी एप्लीकेशन है ना उनका जो लेटेस्ट अपडेट आया होगा वो सारा अपडेट आपके पास आ जाता है, ठीक। बट आ जाता है, अपडेट हुआ नहीं होता है, आ जाता है, ठीक। अब आप लोग उसको अपडेट कर सकते हो, फिर आप लोग जब एपीटी अपग्रेड करते हो तो क्या होता है कि वो जो अपडेट आया था वो भैया अपडेटिंग होना चालू हो जाता है। अब यहीं पे कुछ बड़े मतलब दिमागदार लोग क्या करते हैं, अपग्रेडिंग चल रही है, अपग्रेडिंग चल रही है, उसमें गलती से उन लोगों ने या तो काले लिनक्स बंद कर दिया या तो भैया अपग्रेड पूरा हो नहीं पाया, उसको कट कर दिया। तो इससे तुम लोग सोचते होगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट नहीं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। सोचो एक ऑपरेशन चल रहा है और बीच ऑपरेशन में तुमने भैया बोल दिया डॉक्टर से चलो घर जाओ, अब इसका क्या मतलब हुआ, भैया मरीज तो वहीं पड़ा हुआ है ना, और बस वही काम यहाँ पे हो रहा है। कोई छोटे मोटे पैकेजेस पड़े होंगे जो कि भैया चल रहे होंगे बैकग्राउंड में, वो बढ़िया अपग्रेड हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे भैया नया नया चीज़ आ रहा है, एकदम से आपने सब कुछ कट कर दिया, अब भैया वो लोग लटक गए ना इधर के रहे ना उधर के। तो प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ, इसीलिए इस चीज़ के ऊपर मैंने इतना लंबा चौड़ा बोल दिया, एपीटी अपडेट और एपीटी अपग्रेड भैया करो ही करो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एपीटी अपडेट और एपीटी अपग्रेड कर ले रहा हूँ। वैसे मैं एक बार कर चुका हूँ ये, तो मैं दोबारा से मतलब अपग्रेड तो नहीं करूँगा, बट एक चीज़ मैं ज़रूर करूँगा, एपीटी अपडेट ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमारा जो सूडो एपीटी अपडेट था ना वो बहुत ही अच्छे से हो गया। बट आप लोग मेरी नकल ना करो, एपीटी अपडेट कर लियो ना, एपीटी अपग्रेड भी एक बार कर लो भाई प्लीज़, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट प्लीज़ कर लेना, ठीक है। ताकि तुम लोग कमेंट में ये झिकझिक ना करो कि भैया एरर आ रहा है, भैया हो नहीं रहा। और किसी को अगर एपीटी अपडेट करते वक्त एरर आ रहा हो तो एक बार से ज़्यादा बार एपीटी अपडेट करके ट्राई करो। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो काली डाउनलोड और यहाँ पे काली रोलिंग ये सब लिख के आ रहा है ना, ये काले लिनक्स के अलग अलग सर्वर हैं। हर बार जब आप एपीटी अपडेट करते हो तो कई बार काले लिनक्स एक अलग सर्वर से सारी चीज़ उठाता है और कई बार फिर दूसरे सर्वर से उठाने की कोशिश करता है। तो हो सकता है एक सर्वर में आपको एरर आ रहा हो, तो आप लोग प्लीज़ एक दो बार और ट्राई करना एपीटी अपडेट या फिर अपग्रेड करके, हो जाएगा, ठीक है। चलो इतना भाई क्लियर कर दिया, अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। चलो अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन से, ठीक है। सबसे पहला जो कमांड है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं
और कॉपी करने के बाद सिंपल से मैं आता हूँ यहाँ पे और इस कमांड को कर देता हूँ पेस्ट। ठीक, अब आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं अगर आपने एपीटी अपडेट और अपग्रेड एकदम परफेक्ट किया है विदाउट एनी एरर विदाउट एनी कटपिट, तो सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा। बट अगर आपने कहीं कटपिट कर दिया है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, एरर आपको देखने को मिलेगा 101%। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरे कमांड को भी कॉपी कर ले रहा हूँ, ये ऐड द रिपोजिटरी वाला कमांड, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे कॉपी पेस्ट और सिंपल से करता हूँ इंटर। अब बहुत बढ़िया, इंटर करते ही रिपोजिटरी वाला सेक्शन भी हो गया। और अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से डेबियन का वर्जन सेलेक्ट करेंगे। आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, काले लिनक्स डेबियन के टेस्टिंग वर्जन के ऊपर चलता है। ठीक है, तो हम लोग ये जो टेस्टिंग वाला है पूरा सेक्शन, इसको कर लेंगे कॉपी। ठीक है, बहुत ही प्यार से मैंने इसको किया कॉपी और मैंने यहाँ पे किया सिंपल से पेस्ट, पेस्ट करके सिंपल से एंटर किया और बोमबाम ये भी हो गया कंप्लीट। और उसके बाद एक बार हम लोगों को और एपीटी अपडेट करना है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हो यार बहुत बार करना पड़ रहा है, भाई कर लो, यहाँ पे इन लोगों ने बोला है ना कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। एपीटी अपडेट हम लोगों ने किया और यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब की बार हम लोग वाइन के भाई जो सर्वर है ना वहाँ से कुछ कनेक्शन बना रहे हैं और वहाँ से कुछ पैकेजेस को उठा रहे हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ होती है, लोग पता नहीं क्यों काले लिनक्स चलाना चाहते हैं, एपीटी अपडेट और अपग्रेड करने से घबराते हैं, वो सोचते हैं ये तो फर्जी का काम है, सीधे टूल डाउनलोड करो सीधे टूल चलाओ ये सब। भाई प्लीज़ यार एपीटी अपडेट कर लिया करो यार, समझ रहे हो ना। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे हमारा एपीटी अपडेट वापस से हो गया बहुत ही अच्छे से। ठीक है, और अभी हम लोग यहाँ पे वाइन को इंस्टॉल करेंगे, हम लोग स्टेबल ब्रांच को इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, मैं सिंपल से क्या करता हूँ यहाँ से इसको पूरा कर लेता हूँ कॉपी और कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा कि इसको इंस्टॉल करते वक्त आपको थोड़ा सा एक एरर फेस करने को मिल सकता है, क्योंकि मैंने पता है क्या, मतलब जब ये वीडियो बनाने से पहले मैं इसको प्लान कर रहा था तो मैंने 5-6 बार एक्सपेरिमेंट किया था। अब उस 5-6 बार के एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया, सबसे पहले एपीटी अपडेट और अपग्रेड सब मैंने कंप्लीट किया और उसके बाद वाइन को इंस्टॉल करने की कोशिश की, तब भी एरर मिल रहा था। और मैंने एक बार एपीटी अपडेट और अपग्रेड नहीं किया फिर इंस्टॉल करने की कोशिश की, तब भी यहाँ पे एरर मिल रहा था। तो मुझे फिर से उम्मीद है कि मुझे लग रहा है कि भैया यहाँ पे कोई एरर आने वाला है। अगर आप में भी सेम एरर आता है तो आप लोग क्या करना, जैसे मैं अभी करूँगा ना वैसे करके इस एरर को फिक्स कर लेना। बट अगर आप में कोई भी एरर नहीं आता, सब एकदम बढ़िया से चल रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है यार, मेरी किस्मत तो देखो कितनी ख़राब है, मैं जब भाई एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था तब एरर आ रहा था और आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो कोई एरर नहीं आ रहा, बहुत अजीब सा सीन है मेरे साथ। ठीक है चलो, अगर मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ, अगर कोई एरर आता हो, ठीक है कोई भी एरर आ रहा हो, तो आपको जानते हो क्या करना है, ध्यान से समझ लो। ये जो आप लोगों ने ये जो लास्ट कमांड यहाँ पे डाला था ना, ठीक है ये लास्ट कमांड डाल दिया और यहाँ पे एक एरर आ रहा होगा, मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा एरर होगा, यहाँ पे आपको लास्ट में कुछ मतलब डैश डैश करके कुछ वहाँ पे कमांड्स लिखे होंगे, उन कमांड्स को कॉपी करके इसी के आगे लिख देना है और इंटर कर देना है। ठीक है, वैसे मैं क्या करूँगा, अगर आप लोगों को कोई एरर आ रहा हो इसमें तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक, और मेरे टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट कर देना, जैसे मैं फ्री होऊंगा मैं आपको उसका सलूशन बता दूंगा। बट अब मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे इस टाइम कोई एरर नहीं आया, मैं खुद मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ अब क्या ही मैं कहूँ। ठीक है चलो, फिलहाल मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, वाइन हमारा बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो गया है, अब हम लोग रेडी टू गो हैं इसको यूज़ करने के लिए। तो यूज़ करने का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ VLC मीडिया प्लेयर के साथ, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा डाउनलोड करूँगा, किसके लिए, विंडोज़ के लिए। आप लोग जानते हो हम लोग काले लिनक्स के अंदर हैं, बट मैं फिर भी विंडोज़ के लिए VLC मीडिया प्लेयर को डाउनलोड कर रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों को एक EXE डायरेक्ट भाई डाउनलोड करके इंस्टॉल करके सब कुछ दिखा सकूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे ये EXE फॉर्मेट में है और ये चीज़ मतलब बिल्कुल आँख खोल के देखना, ताकि किसी को 1% भी डाउट ना रह जाए कि नहीं भैया आपने तो हो सकता है लिनक्स का कोई ऐप चला दिया हो, आपने चीटिंग की है। चीटिंग वाला कोई खेल नहीं है, यहाँ पे EXE है। ठीक है, और मैं इसी EXE को नहीं, किसी भी EXE को यहाँ पे चला सकता हूँ, इंस्टॉल कर सकता हूँ, सब कुछ एकदम विंडोज़ की तरह होगा। ठीक है चलो, अभी फ़िलहाल देखते हैं ये कितना हुआ। ओके, ये होने वाला है 3, 2, 1 और ये हो गया हमारा बहुत ही अच्छे से कम्प्लीट। ओके, इसको मैं उठा के डेस्कटॉप पर रख लेता हूँ। ठीक, अगर आप लोगों को किसी भी EXE को रन करना है काले लिनक्स के ऊपर, तो आपको सिंपल से क्या करना है, राइट क्लिक करना है। जैसे आप लोग राइट क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ओपन विथ वाइन विंडोज प्रोग्राम लोडर, इस टाइप का सेक्शन आएगा ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कोई गड़बड़ की है या आपके में वाइन सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हुआ है, यही दिक्कत हो सकती है, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करते यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हो रही हैं। और वाइन क्या करेगा, अगर ये एप्लीकेशन .NET एप्लीकेशन है, अगर आपको नहीं पता .NET एप्लीकेशन क्या होती है, यहाँ पे ध्यान से देखिए,
आ भी गया है, ये कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस या फिर कुछ एक्स्ट्रा टूल्स को डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाती है। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे आप देख पाओगे वो जो डाउनलोडिंग थी वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गई। उसके बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंस्टॉल करने का सेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। आप सिंपल से यहाँ पे ओके करिएगा, ओके करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और आप लोग सोचो, ये विंडोज का एप्लीकेशन है, हम लोग लिनक्स के अंदर डायरेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं। आप लोग सोच सकते हो कि नहीं, कितनी कमाल की बात है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे हमारा ये जो VLC मीडिया प्लेयर है बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो रहा है। तो हम लोग वेट करते हैं जब तक ये इंस्टॉल हो जाता है। तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आप देख पाओगे हमारा VLC मीडिया प्लेयर बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। सिंपल से इसके ऊपर मैं टिक हटाऊंगा, फिनिश करूंगा, और यहाँ पे आपको VLC मीडिया प्लेयर का एक बहुत ही प्यारा सा आइकन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से इस VLC मीडिया प्लेयर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करते वक्त अगर आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा डबल क्लिक करने के बाद, अगर डबल क्लिक करने के बाद थोड़ी देर के अंदर ये ऑन नहीं होता, ठीक है, या फिर कोई पॉपअप आता है, आप लोग उसके ऊपर लॉन्च बार बार क्लिक कर रहे हो, लॉन्च नहीं हो रहा, तो आप लोग एक चीज़ करना, आप लोग यहाँ से मत लॉन्च करना, आप लोग यहाँ पे जाना और यहाँ पे लिखना VLC, ठीक। यहाँ पे जैसे लिखोगे इस टाइप का सेक्शन आएगा, ये जो पहला VLC मीडिया प्लेयर है इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका VLC मीडिया प्लेयर बहुत ही अच्छे से यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। इन सबको मैं हटा देता हूँ और इसको इधर रखता हूँ, और अपनी वीडियो को उठा करके VLC मीडिया प्लेयर के ऊपर डाल देता हूँ, ठीक है। और हमारी वीडियो रन हो चुकी है, मतलब चालू हो गई है चलना, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमारी वीडियो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे चलना शुरू हो गई है। इसको मैं भी कट कर दे रहा हूँ। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि एक विंडोज़ के एप्लीकेशन को हम लोग कैसे अपने काले लिनक्स के ऊपर चला सकते हैं, या फिर हम लोग किसी भी अपने लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इसको रन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप लोग बेझिझक भाई डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ जाना, स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, शॉर्ट वीडियोस आप लोग क्रिएट करके वहाँ पे शेयर कर सकते हो और बता सकते हो कि आपकी क्या दिक्कत है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर तो भाई जाना ही नहीं है। तो हम लोग मिलते हैं फिर अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।